वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कटहल आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कटहल लिया है और मैंने इसको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया और मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कटहल फ्राई हो गए और साथ में मैंने ये दो आलू काटे हैं। अब मैं इनको भी फ्राई कर रही हूँ। जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, 7-8 लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है और 2 हरी मिर्चें। तो मैं इनको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आलू भी फ्राई हो गए हैं, अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। पहले मैंने इनको हाई पे, थोड़ा सा कलर चेंज होने पे मैंने इनको सिम पे कर दिया ना, ताकि अच्छे से पक जाएं। और अब मैंने इनको फिर हाई पे कर दिया क्योंकि अब मैं इनको निकालने लगी तो ताकि इनका कलर गोल्डन आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्याज जो थे वो मैंने चॉप कर लिए, थोड़ा सा अदरक, 5-6 जो लहसुन थे मैंने इनको ना कद्दूकस करा है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए लहसुन का सब्ज़ी में, तो आप हमेशा इस तरीके से ही या क्रश कर दीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि काटने से लहसुन को वो फ्लेवर नहीं आता। और ये 2 हरी मिर्चें मैंने बड़ी काटी हैं, ताकि जिसको नहीं खानी वो निकाल दें। इधर ये कटहल और आलू फ्राई हुए हैं और अब मैंने कढ़ाई में उतना जो वही कढ़ाई लिया जिसमें मैंने फ्राई किया था, तो अब मैंने ऑयल कम करके जितना मुझे चाहिए था वो मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं धीरे धीरे सारा डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूँगी। ये जीरा डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा गर्म है तो एक बार मैं गैस बंद कर दूँगी। साथ में मैंने इसमें हींग डाल दी, ये तेज़पत्ता, ये मोटी इलायची कुटी हुई, ये 2-3 लौंग। ये पक गए हैं तो अब मैं सबसे पहले इसमें ये लहसुन डाल दूँगी। थोड़ा सा लहसुन पक जाए, इनका कलर गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ये अनियंस डाल दूँगी जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। एक बार मिक्स करने के बाद अब मैं इनके साथ ही इसमें ये जो मैंने अदरक रखा हुआ था वो भी डाल दूँगी। अदरक मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि अदरक जल जाता तो फ्लेवर उसका अच्छा नहीं होता। वैसे भी अदरक को ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, आप अलग से नहीं तेल में पकाना चाहिए। अब जब तक ये ऑनियंस पकते हैं, मैं एक टमाटर मिक्सी में मैश कर लेती हूँ। वैसे आप टमाटर ना भी डालें तो भी इसका फ्लेवर ठीक रहेगा, पर फिर भी मैं कलर के लिए एक टमाटर डाल रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड, मुझे क्या लग रहा है कि इसमें ना मसाला थोड़ा मतलब टाइम ले रहा है पकने में और प्रॉपर पक भी नहीं रहा, तो मैं इसकी कढ़ाई चेंज कर देती हूँ ताकि मसाला इजीली पके और सब्ज़ी भी आराम से इजीली पक जाए। ये देखिए, ये प्याज पक गए हैं तो अब इसका मैं एक यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो अब हम मसालों का पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी देसी मिर्च। अब मैं इन सब मसालों में ये पानी डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मसालों का पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं ये पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए मैं मसालों को इसके साथ फ्राई करूँगी, और प्याज और मसाले, और इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। और मैं टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ 1 टमाटर ही मैश किया है, तो ताकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर आ जाए। और अगर आप टमाटर ना भी यूज़ करें तो भी कोई बात नहीं है, तो भी इसकी सब्ज़ी के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मसाले इसके साथ पक गए हैं तो अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर मैश करके रखा था मैं थोड़ा सा वो भी डाल दूँगी। ये टमाटर मैंने जो मैश किया था मैंने डाल दिया, और अब इस टमाटर के डालते ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। ये मसाला बिल्कुल पक गया है, जो हमने मसालों का पेस्ट डाला था वो भी, और टमाटर भी बिल्कुल पक गए हैं। तो अब मैं इसमें जो मैंने कटहल और आलू फ्राई करके रखा था अब मैं उसमें डाल देती हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इसको ढककर पकने देंगे। ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको देखती हूँ। देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब आप इसको हरा धनिया डाल के एक बार 1 मिनट और पका लें, क्योंकि अगर हम धनिया डालने के बाद सब्ज़ी को 1 मिनट नहीं पकाएंगे तो ये सब्ज़ी जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो आप कभी भी धनिया डालें
तो सब्जी को अच्छे से उसके बाद एक मिनट तक ज़रूर गैस पे पकाएं। ये कटहल की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कटहल आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये मैंने ढाबा स्टाइल सब्जी बनाई है, आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। कटहल में आप आलू डाल के एक बार ज़रूर बनाएं, कटहल का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इस सब्जी में आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।